पांच में, चार चार पांच में एक लेडीज में से जो अन्य जातियों में से आई थी, दुष्ट आत्मा निकाल के जब मैं वापिस जा रहा था अपने काम को, उस टाइम मैं अपना काम करता था, बिजनेस में था, तो मेरा ड्राइवर जो था, दुष्ट आत्मा ने मुझ पे अटैक किया और बोला इस ड्राइवर को गालियां निकाल। एकदम से मुझ पे उसी दुष्ट आत्मा का अटैक हुआ जिसको मैं निकाल के आया था। और पवित्र आत्मा ने मुझे बोला अगर तू दुष्ट आत्मा की बात को सुनेगा, अपने मुंह से उसकी बातों को निकालेगा या दुष्ट आत्मा के प्रभाव में रहेगा, ये शैतान तुझे कभी छोड़ के नहीं जाए। क्योंकि बाइबल कहती देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का क्या दिया, अधिकार दिया, किसी भी वस्तु से तुम्हें हानि। अब ये वचन मेरे लिए हथियार तब है अगर मैं इस वचन को इस्तेमाल करता हूं। आपके घर में चाकू अपने आप नहीं चलता, मोटर अपने आप नहीं चलती, आपको कुछ बटन दबाने पड़ते हैं, कुछ ऑपरेट करना पड़ता है, हाँ या ना। और परमेश्वर ने मुझे बताया कि तूने अपने मुंह से यह निकालना है कि शैतान ये शरीर परमेश्वर का है, मैं तुझे समर्पित नहीं करूंगा, तेरी कही हुई बातें नहीं बोलूंगा, खेलूंगा नहीं, जो कुछ तू करेगा कहेगा मैं कुछ नहीं करूंगा। और मैंने अपने मुंह से निकालना शुरू किया इन सब शब्दों को, और वो शैतान कभी वापस नहीं आया। और सोचो अगर मुझे हथियारों के बारे में, वचन के बारे में मालूम ना होता तो आज मैं यही बोलता कि मैंने एक दुष्ट आत्मा निकाली थी, उसके बाद मुझ पे अटैक हुआ, अब मेरी लाइफ ऐसी। जैसे बहुत सारे विश्वासी आज कहते हैं कि जब से मैंने ये काम किया था मुझे ये प्रॉब्लम हो गई थी, उसके बाद हम कभी नहीं उठे। आपको अपने आत्मिक हथियारों का यूज करना है, एक जेलसी, एक पवित्र जेलसी के साथ, और आप देखेंगे शैतान को घुटना टेकते हुए। और आपका आमीन छोटा चर्च, मैंने कहा आप शैतान को घुटना टेकते हुए देखने वाले हो। जोर से बोलो हालेलुया, जोर से, जोर से।